हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पनीर की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे। उसके लिए सारे मसालों को हम यहाँ ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ हम 6 से 7 लाल मिर्च लेंगे। ये मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखी नहीं है। इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। फिर हम इसमें 1 बड़े चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। साथ ही हम यहाँ 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अब हम इन मसालों को लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब इसमें से हल्की खुशबू आने लगे फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें भुने हुए मसालों को डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 चम्मच इमली का पल्प डालेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े गर्म पानी में इमली को भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम एक बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 बड़े चम्मच घी गर्म करेंगे। फिर हम इसमें 200 ग्राम कटा हुआ पनीर डाल देंगे। अब हम पनीर को अच्छे से लाल होने तक फ्राई करेंगे। पनीर जब अच्छे से चारों तरफ से लाल हो जाए फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 1 बड़े चम्मच और घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। 1 से 2 मिनट बाद जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसमें पिसा हुआ मसालों वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से घी छोड़ने तक भुनेंगे। तो अब हम यहाँ पर 1 चम्मच गुड़ डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इन सबको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे। दही डालकर हम इसे फिर से भुनेंगे। मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर ही भुनेंगे। यहाँ पर हम मसाले को जितना ज़्यादा भुनेंगे उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन भी चुके हैं और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे और पनीर के साथ मसालों को अच्छे से पकाएंगे। जब मसाले पनीर के साथ अच्छे से कोट हो जाए फिर हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे हम पनीर घी रोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मसालों और पनीर को घी के साथ अच्छे से भुना जाता है जिससे इसका स्वाद बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर हमारा पनीर घी रोस्ट बनके तैयार हो चुका है। इसमें हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, इसे हम थोड़ा सूखा ही बनाते हैं। ये पराठे और नान के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में पनीर की बाकी सब्जियों से इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।